पांचवा आक्रोशित बच्चियों ने दी श्रद्धांजलि। सेव मी वी वांट जस्टिस सहित न्याय की मांग करते हुए तख्तियों को हाथ में लेकर नन्ही बच्चियों ने इंदौर में बीती शाम एक रैली निकाली, जिसका मकसद डॉक्टर प्रियंका रेड्डी और मऊ में मासूम के साथ जो हुआ उसके प्रति आक्रोश आरोपियों को सख्त सजा और मृत आत्मा को श्रद्धांजलि देना था। इंदौर के तेजाजी नगर में देर शाम कुछ समय राहगीरों के कदम थम गए और लोग अपने दुकानों से बाहर आकर खड़े हो गए, जब जूडो कराटे सीखने वाली नन्ही बच्चियों, छात्राओं एवं लोगों द्वारा हाथों में मोमबत्ती लेकर दुष्कर्मियों के प्रति आक्रोश के साथ नम आंखों से मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। बता दें कि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ हुई घटना के बाद पूरे देश में आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग उठ रही है। इसी कड़ी में इंदौर के देवरा जूडो कराटे संस्थान के बच्चों ने नारे लगाते हुए तेजाजी नगर में कैंडल मार्च निकाला। वहीं सोमवार को मऊ में एक बच्ची से दुष्कर्म की घटना की जानकारी के बाद बच्चियों ने कहा कि सेल्फ डिफेंस आज के जमाने में बहुत जरूरी हो गया है। आत्मरक्षा के लिए बच्चियों व महिलाओं को जूडो कराटे व आत्मरक्षा के अन्य गुण सीखना चाहिए। वहीं संस्थान प्रमुख विक्रम देवरा ने दावा किया है कि यदि आत्मरक्षा के गुण आपने सीख लिए तो किसी की हिम्मत नहीं जो ऐसी घटना को अंजाम दे सके। वहीं जूडो कराटे की छात्रा व अन्य लोगों ने सरकार से इसे स्कूलों में अनिवार्य करने की मांग की है। किस तरह की लगती है और क्या है आज, क्या आयोजन? आज हम यहाँ पे जो हैदराबाद में केस हुआ था प्रियंका रेड्डी, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के लिए, उसके जस्टिस के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम ये चाहते हैं सीएम साहब से, हमारे कमलनाथ जी से, कि वो इस केस पर नजर डालिए और जल्द से जल्द अपराधी को सजा दिलवाइए। हमारे यहाँ पर हम उन्हें श्रद्धांजलि भी देंगे। ये बताना चाहते हैं कि आप ये जो केस होने जा रहे हैं एमपी में, क्या वोट पड़ने नहीं चाहिए, लगाने चाहिए और इसमें कड़े से कड़े कानून बनाना चाहिए, क्योंकि लोगों में कानून का डर नहीं है। तो अगर लोगों के लिए कानून का डर बनाना है तो अच्छे से अच्छे सरकार की जरूरत है और सर ये अपील करना चाहती है कि अच्छे कड़क कानून बनाए जिससे अपराध बंद हो और हमारे देश की बेटियों और महिलाओं के लिए सुरक्षा ज्यादा हो। किन बच्चों के द्वारा, किस संस्थान के बच्चे हैं और किन बच्चों के द्वारा ये कैंडल मार्च आज कहाँ से कहाँ तक निकाला गया है? ये कैंडल मार्च हम तेजाजी नगर से, तेजाजी